सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया हो। तो आज के इस वीडियो में ना मैं जा रहा हूँ आईफोन 14 प्रो लेने को, एंड फाइनली इट्स टाइम फॉर मी टू स्विच फ्रॉम एंड्रॉयड टू एप्पल। एंड लिटरली मैं 4 साल के बाद नया फोन ले रहा हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू बाय द न्यू फोन। एंड आगे इस वीडियो में ना आपको देखिएगा कि आईफोन 14 प्रो का अनबॉक्सिंग, मेरा क्या पेमेंट टर्म्स था, मेरा क्या प्लान था। तो बने रहिए एंड तक पूरा वीडियो देखने के लिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन। सो लेट्स एक्चुअली बिगिन द वीडियो। इट्स टाइम टू गो एंड गेट द आईफोन 14 प्रो। लेट्स गो। फाइनली मैं ऑप्टा स्टोर जाके आईफोन लेके आया। आई एम जस्ट अनबॉक्सिंग इट फॉर यू गाइस। तो पहले मैं ये दो सील निकाला एंड यस द आईफोन 14 प्रो। फाइनली इट्स टाइम टू स्विच फ्रॉम एंड्रॉइड टू एप्पल एंड आई एम वेरी ग्लैड। दिस इज माय फर्स्ट आईफोन एवर। Thank God for this, and it's a deep purple 256 GB phone, 14 Pro 256 GB purple. So yeah, pe. सिम निकालने के लिए है एंड द अडाप्टर, स्क्रैच गार्ड, प्रोटेक्टिव ग्लास। हाँ, स्टोर से डाला था तो थोड़ा आपको बबल्स दिखता रहेगा बट इट विल डिसअपीयर आफ्टर 48 hours। या सो टाइम टू स्विच इट ऑन। ऑन अभी तक मैं किया नहीं, टाइम टू स्विच इट ऑन। Hello. English. Select your country, Australia. Setting language. सेटअप मैनुअली। ओके सो अभी ये सब मैं कनेक्ट करता हूँ। सो दैट्स इट। सो सब सेटअप हो गया। नाउ इट्स टाइम टू स्वाइप अप। वाओ, दिस इज द न्यू आईफोन सेटअप। ओके मोबाइल सेटअप करके। गाइस मैं अभी आपको बताऊंगा कि एक्चुअली मैं ऑप्टस का प्लान कैसा था और क्या क्या पेमेंट टर्म्स है। तो मैंने ऑप्टस का सिम लिया तो इसलिए मैं ऑप्टस के थ्रू जा रहा हूँ। बट अगर आपका सिम वोडाफोन हो गया या टेलस्ट्रा हो गया तो आप उनके थ्रू जा सकते हो। आप उनका वेबसाइट में जाके इंक्वायर कर सकते हो। सो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ऑप्टस का कैसा प्लान था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी गूगल करूंगा ऑप्टस iPhone 14 Pro। ओके मैं उनका फर्स्ट ऐप लिंक की क्लिक करूंगा एंड तो यहाँ पे आप देख सकते हो iPhone 14 Pro एंड 4 कलर में आप चूज कर सकते हो। एक डीप पर्पल हो गया, एक स्पेस ब्लैक, गोल्ड एंड सिल्वर। तो मैं डीप पर्पल चूज करूंगा। आप यहाँ पे कैपेसिटी चूज कर सकते हो, अगेन 4 कैपेसिटी, तो 256 GB। एंड यहाँ पे आता है फोन पेमेंट टर्म्स। ठीक है, तो अगर आपको 3 साल का प्लान लेना है 36 months, तो आपको फोन पड़ेगा पर मंथ $52.46। बट स्टेप टू ये हो गया कि आपको उनका एक प्लान चूज करना पड़ेगा एंड उनका मिनिमम प्लान चालू होगा $49। जो आप मंथली रिचार्ज करते हो वो हो गया ये प्लान। तो $49 में आपको 30 GB डेटा मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एग्जैक्टली प्लान क्या है। तो
$59 का है, 100 GB, $69 का हो गया, 220 GB, तो मैं मिनिमम प्लान में जाऊंगा तो आई विल चूज अ प्लान। एंड तो $52 पर मंथ हो गया फोन का, 49 हो गया रिचार्ज का, तो आपको 3 साल एवरी मंथ आपको भरना पड़ेगा $101.46। बट अगर आप 2 साल का ले रहे हो तो $78 पर मंथ, एंड मैं यही प्लान चूज करूंगा 49 वाला, तो आपको 2 साल का एवरी मंथ आपको भरना पड़ेगा $127। और अगर आप 1 साल ले रहे हो तो $157.38 प्लस 49 विल बी $206 एवरी मंथ फॉर 12 months। सो ये हो गया ऑप्टस का प्लान। तो अभी मुझे आपको एक चीज बताना है कि अगर आप ना आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, US आ रहे हो, कनाडा जा रहे हो, कोई भी कंट्री जा रहे हो, तो आपको वो स्पेसिफिक कंट्री से लेना चाहिए कि आपको इंडिया से लेना चाहिए, ठीक है? तो मैं अभी मेरा ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में प्राइस देखूंगा iPhone 14 Pro का, सो आपके लिए मैं अभी प्राइस देखता हूँ iPhone 14 Pro 256 GB प्राइस इन ऑस्ट्रेलिया। सो मैं एप्पल के वेबसाइट में आपके लिए जाऊंगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो iPhone 14 Pro में चूज किया डीप पर्पल 256 GB, तो 256 GB का प्राइस हो गया 1899, मतलब $1900। तो मैं आज का वैल्यू में 1 AUD तो INR करूंगा, तो आज का प्राइस है ₹52.23 एंड 1899, ओके 1900 ही लिख देता हूँ। तो आपको फोन पड़ेगा इंडियन वैल्यू में, इंडियन प्राइस में 99,245, ठीक है? और मैं अभी इंडिया में iPhone 14 Pro प्राइस इन इंडिया देखूंगा सेम, तो मुझे पड़ रही है 1,40,000। फिर भी मैं आपके लिए एप्पल वेबसाइट में जाके देखता हूँ। तो iPhone 14 Pro 250, ओके डीप पर्पल 256 पड़ेगा 1,40,000। तो ये मुझे पड़ रहा है 99,245, ये मुझे पड़ रहा है 1,40,000। तो डेफिनेटली ₹40,000 का आपको प्रॉफिट मिलेगा, मतलब सेविंग्स मिलेगा। एंड डेफिनेटली आप ऑस्ट्रेलिया हो गया, US हो गया, या जो भी कंट्री हो गया, वहां से आप आईफोन ले सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एग्जैक्टली मेरा प्लान क्या है, बट कोई कोई कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें मेंशन नहीं किया। एक है कि ऑटोमेटिकली एवरी मंथ ये बैंक अकाउंट से आपका माइनस होएगा। लाइक अगर आपको अगले साल ट्रेडिंग करना है और आपने 2 साल का प्लान लिया, सो यू कांट ट्रेड इन बिकॉज आपको ये अमाउंट पूरा एक एक महीना ही, और सिस्टम में ऑटोमेटिक है, तो आपको एक महीना पर मंथ। लाइक अभी 5th of October में मैं फ़ोन लिया, तो एवरी मंथ November 5th, December 5th, January 5th, ऐसा माइनस होएगा, ठीक है? दूसरा चीज़ है कि अगर आपको लाइक दिसंबर में आपने ज़्यादा काम किया और आपको एक ही टाइम पे $1,000 भरना है, तो वो ऑप्शन अभी ऑप्टस में नहीं है। मैंने क्लियरली पूछा कि अगर इन केस दिसंबर जनवरी में मुझे कुछ गिफ्ट मिला या कुछ भी मिले, पैसा एक्स्ट्रा मिला, मैंने बहुत मेहनत किया, तो आई कांट पे ऑफ द एंटायर अमाउंट। आपको हर मंथ एक एक जो है डेट वही मंथ कट करेगा, इसलिए आपको ट्रेड इन भी नहीं कर सकते। लाइक इन केस नेक्स्ट सितंबर में iPhone 15 आ रहा है और आपका 2 साल का प्लान है, तो आप ट्रेड इन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 2 साल पूरा एक एक महीना भर के फिर 2 साल के बाद ही आपका फ़ोन आपके लाइक ट्रेड इन के लिए अवेलेबल मिलेगा। सो मेक श्योर दैट आपको सब एग्जैक्टली सब प्रोसीजर्स जो है आपको समझा। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मैं आपको हेल्प करने रेडी हूँ। सो गाइस मैं आपको बताना भूल गया कि ऑप्टा स्टोर में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है? तो ऑप्टा स्टोर में आपको आपका इंडियन पासपोर्ट हो गया या आपको ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों में से कोई एक चीज़ अगर आपके पास है तो आपको फ़ोन ज़रूर वही टाइम पे मिल जाएगा। सो मेक श्योर दैट इफ़ यू आर गोइंग टू द ऑप्टा स्टोर, आपके पास इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट ज़रूर हो। और एक चीज़ ये है कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको एक प्रॉपर जॉब मिले, तो क्योंकि एवरी मंथ $206 हो गया या $127 हो गया अगर आपका 2 साल का प्लान है, इट्स नॉट एट ऑल ईजी, क्योंकि आपको रेंट भरना है, आपको ग्रोसरीज खरीदने के, आपका ट्रैवल का अलाउंस हो गया, ट्रैवल का एक्सपेंसेस हो गया, बहुत कुछ देखना पड़ता है। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ प्रॉपर जॉब। अगर आपके पास प्रॉपर जॉब है और आप अर्निंग हो, तो फिर आप ज़रूर ये फ़ोन ले सकते हो, iPhone 14 Pro। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो प्लीज लाइक कर देना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा, प्लीज उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय।